नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंप्यूटर पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये चौथी क्लास है। इस वीडियो के अंदर जो नंबर फॉर्मेटिंग है, जिस बटन्स को हमने छोड़ा था, उस बटन्स के बारे में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग में हमने जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग और डेट के बारे में जान लिया था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट और इसके बाद जो है एक और बटन होता है स्पेशल, इन सभी के बारे में हम सीखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये कस्टम बटन आता है, इसके बारे में कंप्लीट ज्ञान प्राप्त करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो पूरी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। एक्सेल का पहले वाले पार्ट भी देखना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां जाके आप वो वीडियो सारी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम फॉर्मेट के बारे में, जो कि यहां पर क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पे मिल जाता है। जब हम डाटा एंट्री के समय टाइम को इंसर्ट करवाना होता है तो टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट करना होता है। वैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके भी टाइम डालूंगा तो ऊपर ऑटोमेटिकली टाइम फॉर्मेट ले लेगा। जैसे 6:30 टाइम फॉर्मेट डाल दिया, बाहर क्लिक करते ही जब इस पे क्लिक करने के बाद कस्टम आ रहा है, इसका मतलब ये टाइम फॉर्मेट ही है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है फॉर्मूला बार में 6:30 AM दिखा रहा है, इसका मतलब कस्टम है। इसमें कस्टम पहले से ऐड कर रखा था इसलिए यहाँ पे कस्टम आ रहा है। अब इसमें AM नहीं दिखा रहा, ऊपर तो AM दिखा रहा है। ये जो फॉर्मेट था हमने चेंज कर रखा है इसलिए AM दिखा रहा है। अगर हम यहीं पे जाकर के नो मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर के और ये फॉर्मेट ले लेता हूं और ओके बटन प्रेस कर देता हूं तो इस प्रकार से टाइम शो होना शुरू कर देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो है 6:57 हो रही हैं, एएम इसलिए दिखा रहा, पीएम दिखाना चाहिए। पीएम तब दिखाएगा जब इसको लॉन्ग फॉर्मेट में लिखेंगे, जैसे 18, 19, 20 इस तरीके से आप लिखोगे तब जा करके ये पीएम दिखाएगा। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 यानी 12 तक दिखाएंगे तो ये एएम ही दिखाएगा। जैसा कि मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, मैं इस जगह तक सेल को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और टाइप फॉर्मेट में जा करके मोर नंबर्स में जा करके टाइम सिलेक्ट करते हुए यही वाला डिज़ाइन ले लेता हूँ। और आप चाहे तो कस्टम पे जा करके और भी बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप उसमें से कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हैं, इसमें सेकंड वगैरह जो भी है जैसा आपको इच्छा हो दिखा सकते हैं। मैं नॉर्मल में इसी को सिलेक्ट करते हुए, इसको सिलेक्ट करने के बाद अपन ओके बटन प्रेस कर देंगे तो इस सिलेक्टेड एरिया में वही फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। बस हम अब इसमें टाइम लिखना होगा और वो ऑटोमेटिकली एम पी एम लगा देगा। जैसा कि मैंने लिख दिया 13:01 और ये ऑटोमेटिकली उसमें पी एम इंसर्ट कर दिया है। अगर मैं सेकंड भी लिखूंगा तो भी ये आ जाएगा 14:12:15 और बाहर क्लिक करेंगे तो ये पीएम आ गया, अपने आप आ गया। तो इस तरीके से हम जो भी लिखेंगे एएम पीएम वो अपने आप फॉर्मेट आता जाएगा। ये तब हमारे काम में आता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट में या कोई भी डेटा एंट्री में हम जब काम कर रहे होते हैं और डेटा के बीच टाइम की जरूरत पड़ती है, उस समय हमें ये इस तरीके का टाइम फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं प्रतिशत की, परसेंटेज की। परसेंटेज फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब परसेंटेज का सिंबल देना होता है। जैसे मैं नॉर्मली जनरल मोड में भी अगर परसेंटेज का सिंबल देना चाहूं तो वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन जैसे हम इसको बाहर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ 65 रह गया। जैसे अपन इसको डिलीट करके दोबारा कोशिश करते हैं और शिफ्ट के साथ इसके बाद में परसेंटेज सिंबल लगा देंगे तब जा करके लग गया, यानी इसमें टाइम लगेगा, मैन्युअली परसेंटेज देना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने मैन्युअली परसेंटेज लगाया, अपने आप ऊपर परसेंटेज फॉर्मेटिंग दिखानी शुरू कर दी, इसने अपने आप परसेंटेज वाला जो है फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। नंबर फॉर्मेटिंग में भी परसेंटेज दिखाई देने लग गया, लेकिन हम इसको डिलीट करके इस पर क्लिक करके यहाँ से जनरल मोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस जगह पर हमने परसेंटेज लिखनी है। अब परसेंटेज इस जगह पे हमने देना है, मुझे बार बार परसेंटेज का सिंबल ना लगाना पड़े, ऑटोमेटिकली परसेंटेज का सिंबल लगता चला जाए। तो इसके लिए हम
यहाँ बार भी क्लिक कर सकते हैं परसेंटेज पे भी, और मोर नंबर फॉर्मेट में जाकर के भी परसेंटेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेसिमल अंक यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कि आप डेसिमल के बाद कितने अंक चाहते हैं। मैंने एक कर दिया, यहाँ पे ओके कर देंगे। अब इस सिलेक्टेड एरिया में कुछ भी लिखेंगे तो अपने आप परसेंटेज आ गया है, यानी बार बार मैनुअली परसेंटेज अपने को लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जब हमको बार बार परसेंटेज के सिंबल की जरूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में हम परसेंटेज फॉर्मेट को ही लागू कर ले, क्यों मैनुअली बार बार परसेंटेज को लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग, जैसे भाग का सिंबल होता है ना, बटे में लिख सकते हो उस तरीके से, जैसे 0.26 इंटर 0.5, इस प्रकार से हम पॉइंटों वाली संख्याएं लिखते चले जाते हैं। कुछ भी हम पॉइंटों में संख्या लिखते जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इनको फ्रैक्शन में बनाना है, भाग में इनको कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट करके हम मोर नंबर में जाकर के या बाहर ही फ्रैक्शन पे क्लिक कर देंगे। इस मेनू में भी आपको फ्रैक्शन का बटन दिखाई दे देगा, इस पर भी क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप देखो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप मोर सिंबल में जाके अंदर से करोगे तो भी ये हो जाएगा। दोनों तरह से सेम ही है, लेकिन इस जगह पे आपको बहुत सारे डिज़ाइन भी मिल सकते हैं, वो किसी भी टाइप को आप सिलेक्ट करोगे वही अप्लाई हो जाएगा। बहुत आसान है, एक बार करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर करके देखना इसको। ओके बटन प्रेस करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार हम फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही काम आप पूरी सेल को सिलेक्ट करने के बाद फ्रैक्शन को अप्लाई करोगे तो सिलेक्टेड एरिया सभी में वो फ्रैक्शन लागू हो गया। जैसे ही आप कोई ऐसी संख्या लिखोगे तो आपका ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 0.20 लिखा तो 1/2 आ गया, इस प्रकार 0.25 का 1/4 आ गया, ये बटे में कन्वर्ट हो रहा है अपने आप। तो डेटा एंट्री का काम इस सबसे बड़ा आसान हो जाता है और बिल्कुल एरर फ्री हो जाता है। नाउ दिस वन साइंटिफिक, साइंटिफिक के बारे में अपन जान लेते हैं। इसमें भी हम कुछ डेटा को इंटर करते हैं और जिससे कि हमें सब कुछ बड़ी आसानी से समझ आ जाए। मैं एक बहुत बड़ा डेटा इसमें इनपुट कर देता हूं और बाहर क्लिक करते हैं, और उसके बाद जनरल मोड पे क्लिक करने के बाद अंदर जाकर के साइंटिफिक पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से अंक आते हैं। अगर डेसिमल में आप संख्याओं को बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो आप इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं 4 डेसिमल पे सेट कर लेता हूँ और ओके बटन प्रेस करूँगा। ये साइंटिफिक तरीके से अंक डिस्प्ले होना शुरू हो गए। साइंटिफिक में इसी तरीके से शो होता है। अगर ऐसे डेटा की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए उतने एरिया को और पूरे सेल में अप्लाई कर दीजिए उसी तरीके से। वहाँ चले जाइए, साइंटिफिक सिलेक्ट कीजिए, सेटिंग कीजिए, ओके बटन प्रेस कर दीजिए। अब सिलेक्टेड एरिया में वो सारे साइंटिफिक फॉर्मेट लागू हो जाएंगे। जैसे भी आप नंबर इनपुट करके इंटर बटन दबाएंगे वो अपने आप उसको साइंटिफिक में बदलता जाएगा। आपको बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में। देखिए, नॉर्मली जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो, जैसे ये गुलाब लिख दिया तो ये लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा। अगर हम कोई नंबर लिखेंगे तो देखिए, और बाहर क्लिक किया तो वो राइट साइड में अलाइन हो गया। तो टेक्स्ट हमारा जो है वो लेफ्ट साइड में अलाइन होता है, नंबर राइट साइड में अलाइन होता है। अगर इस नंबर को भी हम कन्वर्ट कर दें टेक्स्ट में तो ये भी लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। लिखा हुआ तो नंबर ही दिखाई देगा लेकिन ये टेक्निकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, हमने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये 1, 2, 4, 2, 5 ये भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। नॉर्मली इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, 214 और बाहर क्लिक कर दिया तो 0 यहाँ पे गायब हो चुका है। लेकिन अपन इस जगह पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस सेल में 0, 214 लिख देंगे, बार क्लिक करेंगे तो अब इस तरीके से 0 गायब नहीं होगी। तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि आप जब आप नंबर में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ पे एरर भी देगा। साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि नंबर स्टोर्ड है तो सही लेकिन एज ए टेक्स्ट स्टोर है। नंबर तो स्टोर हो गया लेकिन एज ए टेक्स्ट स्टोर हो गया है। हाँ, अगर आप इसको कन्वर्ट नंबर पे क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप 0 हट जाएगा और राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। अगर मैं इतनी सारी सेल को सिलेक्ट करता हूँ
और इसमें जाकर के टेक्स्ट कर देते हैं, और इस जगह पे हम कुछ भी टाइप करेंगे वो एज ए टेक्स्ट ही ट्रीट होगा, यानी कि ऊपर से हमने फॉर्मेट टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है और इस सेल में हम जो भी टाइप करेंगे वो एज ए नंबर ट्रीट करेगा। पहला तो ये इसमें डिफरेंट होगा कि यहाँ पे ये एरर दिखाएगा और यहाँ पे एरर दिखाई नहीं देगा। दूसरा डिफरेंट ये है कि ये जो लेफ्ट लाइन से अलाइन हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट साइड में अलाइन है, अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। तीसरा डिफरेंट ये रहेगा, अगर आप इसका सम करोगे तो वो सम भी नहीं करेगा क्योंकि वो तो टेक्स्ट है, लेकिन ये नंबर वाला जो है योग हो जाएगा। जैसे हम इसका योग करते हैं, इक्वल तीनों सेल का एड्रेस दे दिया जो मैंने प्रीवियस में दिखाया हुआ है आपको कैसे करते हैं, तो इनका योग हो चुका है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, इक्वल बटन दबाते हैं और सम फार्मूला से हम इसको जोड़ना चाहें तो भी ये जुड़ जाएगा। रेंज दे देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो भी ये योग हो गया, सम हमारे सामने आ गया। लेकिन यही चीज हम टेक्स्ट के साथ करेंगे तो वो यहां नहीं होगी, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है, दिखाई ही नंबर दे रहा है कि वास्तव में ये टेक्स्ट ही है, ये टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट कर रहा है। हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, देखो ये जुड़ा ही नहीं, लेकिन नंबर जुड़ जाते हैं। अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं इसलिए ये नहीं जुड़ेंगे। अगर मैं यहीं पे आकर के इक्वल करके सम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और रेंज भी दे करके हम इसको योग लगाने की कोशिश करते हैं तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि वो टेक्स्ट है, दिखाई तो नंबर दे रहा है लेकिन वास्तव में तो वो टेक्स्ट ही हो गया ना। अब सो इन चीज को आप बड़ी ही बारीकी से समझना, इस तरीके से टेक्स्ट नंबर फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दिया है, इसको भी आपने समझ लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्पेशल के बारे में। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। स्पेशल के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर बड़े से बड़ा टाइप कर देता हूँ, कुछ भी नंबर मैं टाइप कर देता हूँ बड़ा, इस तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से हमने नंबर कुछ चार टाइप कर लिए हैं। अब इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ जाने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट में जा करके स्पेशल पे क्लिक करके, और यहाँ कई सारे टाइप्स दिए गए हैं, जिप कोड पहले से ही सिलेक्टेड है, इसी तरीके से नंबर आ जाएंगे। अगर आप जिप कोड 4 करके दोगे, जो भी आपने नंबर टाइप किए हैं वो डैश दिखा करके 4 डिजिट में बांट देगा। देखिए इस तरीके से 4 4 डिजिट में वो बांट दे, जिस तरीके से अपने आधार कार्ड के नंबर होते हैं उसी तरीके से। दोबारा हम चलते हैं कस्टम में, स्पेशल में जाते हैं, फोन नंबर पे क्लिक कर देते हैं और ओके बटन प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से देखो ये फोन नंबर की तरह से इसको कन्वर्ट कर देगा। और भी एक प्रकार दे रखा है, इन पर भी क्लिक करके और बारी बारी से देखेंगे तो इस तरीके से वो हो जाएगा। तो स्पेशल में इस तरीके का काम होता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता लेकिन आपको पता होना चाहिए, कई बार जरूरत हो जाती। तो अब देख लीजिए आगे कस्टम ने, आगे समझने के लिए अपन फॉर्मेटिंग, देखो टाइम की जो फॉर्मेटिंग है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं कस्टम पे जा करके। तो देखिए अब टाइम से रिलेटेड और भी फॉर्मेट यहाँ आने शुरू हो गए। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कई सारे फॉर्मेट हमारे सामने आ रहे हैं। अब मुझे ये आवर और मिनट चाहिए, सेकंड नहीं चाहिए, तो इसे सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो उसी तरीके का फॉर्मेट हमारे सामने आ गया। यानी आपने जो फॉर्मेट सिलेक्ट कर रखा है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे हमें टाइप दिखाई देते हैं। इन सभी के बारे में आगे जाके हमें भिन्न भिन्न टाइप मिलते हैं, किसी को भी अपने सिलेक्ट कर सकते हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग में हम उसी सिलेक्टेड नंबर को, चाहे वो टाइम है, चाहे वो डेट है, चाहे अकाउंटिंग है, हम उन सभी को उनके टाइप के अनुसार भी, अपनी मर्जी के अनुसार भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको मैंने हिंट दे दिया कि ये किस तरीके से काम करेगा। आप अपने आप से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। हमारी कंप्लीट जानकारी अब पूरी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करना, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आप सभी को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।